हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं रफ्तार से। तो रफ्तार जो है वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की कुछ और हिंट्स देता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो एक उनका काफी पुराना पोस्ट था जिसमें उन्होंने एक हैशटैग यूज करा था, हैशटैग बब्बर। तो कुछ अभी DHH पेजेस का कहना है कि इससे रिलेटेड कुछ आने वाला है। खैर, प्रदीप की जो भ्रम डीलक्स एल्बम आने वाली है उसमें रफ्तार के साथ भी उनका ट्रैक देखने को मिलेगा और इक्का के साथ भी। तो अब बात कर लेते हैं एमीवे के बारे में। तो एमीवे अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है और आज रात 12 बजे वो कुछ ड्रॉप करने वाला है। तो रात को 12 बजे। इसके अलावा ऐप 17 और पैंथर का एक प्रोजेक्ट आने वाला है, 2 मार्च को ये देखने को मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं एमसी स्टैन के बारे में। तो आयशो स्पीड जो है वो एमसी स्टैन के स्नेक ट्रैक के ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑडियो तो नहीं सुना सकता, क्लिप यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं किंग के बारे में। तो किंग जो है वो कुछ स्टोरीज डालता है। I mean, what the fuck is going on in the name of influencing and fashion blogging? Influencer term? Fuck it. I don't know, man. I feel like there are plenty of things that I see, that I notice and I want to talk about, but I don't, especially on Instagram. It's not that I don't support things, terms, you know. But bokhla gaye hain sab yaar views ke chakkar mein. I mean, they are selling. I don't know, man. Fuck it. Mast khana khao. मस्त रहो, आग लगे दुनिया में। तो अब बात कर लेते हैं बादशाह के बारे में। तो कल बादशाह से एमसी स्टैन और हिप हॉप के बारे में पूछा गया था। तो बादशाह जो है वो कुछ ऐसा रिप्लाई करता है। एमसी स्टैन का जो नाम बढ़ रहा है, कितना हेल्प होगा रैप कल्चर को, मतलब न्यू कमिंग यंगस्टर्स फॉर द रैप कल्चर? अभी तो और कल्चर्स को हेल्प चाहिए, रैप कल्चर को कोई हेल्प नहीं चाहिए। आई थिंक रैप इज हियर टू स्टे। शुरू में लोगों को लगा था कि एक फैड है, चला जाएगा, बट आपके सामने ही है। क्यों, हम जो रैपर्स होते हैं ना, बड़े ढीठ होते हैं, बचपन से ही हसलर होते हैं, तो अपनी जगह बनाने की आदत हमें होती है। और एमसी स्टैन तो एक एग्जांपल है, जीता जाता एग्जांपल है, एंड आई थिंक एवरीबॉडी फ्रॉम द कम्युनिटी इज रियली प्राउड ऑफ हिम। जो कम्युनिटी से बाहर हैं वो भी प्राउड हैं, बिकॉज इवेंचुअली इट्स एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू सी समवन विन हुज कम फ्रॉम द बॉटम, एंड आई थिंक एमसी स्टैन इज वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो अब बात कर लेते हैं लिल गुलू के बारे में। तो लिल गुलू ने Q&A रखा था अपने इंस्टा पे, तो उनसे कृष्णा के बारे में पूछा जाता है। तो वो लिखता है, बढ़िया आर्टिस्ट। इसके अलावा लिल गुलू एक्स रागा के बारे में पूछा जाता है तो वो मना कर देता है। रफ्तार के साथ कोलैब के बारे में उनका कहना है, हाल ही में तो कुछ नहीं है अभी। तो अब कुछ माइलस्टोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रेविटी का रॉबरी ट्रैक 100K व्यूज क्रॉस कर चुका है। बेला का जो विजन गाना आया था उस पर भी 1 मिलियन व्यूज हो चुका है। रागा अभी 1.5 मिलियन मंथली लिसनर्स क्रॉस कर चुका है। और RVCJ जो कि एक मीडिया कंपनी है, उन्होंने एक पोस्ट डाला था कर्मा के 1 से 23 ट्रैक पे। तो कर्मा ने भी इसको अपनी स्टोरी में रीशेयर करा था। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।